आप लोग ने भी अभी YouTube पर कोई काम करना शुरू नहीं किया है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको YouTube पर किस कैटेगरी का चैनल स्टार्ट करना चाहिए जो कि आपको बहुत ही जल्द अच्छा रिजल्ट दे सके, अच्छा सब्सक्राइबर्स आपका हो जाए, अच्छा अर्निंग आप वहां से करने लगो, तो ये चैनल आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो बनाना है और 10 सेकंड का वीडियो बनाकर आप काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और इस कैटेगरी में आपको काफी ज्यादा व्यूज देखने को मिलने वाला है और अर्निंग की तो आप भाई कोई कमी नहीं होने वाली है। बस आप लोग देख लीजिए कैसा क्या कॉन्टेंट है और कैसे इसको बनाना है, और इसे बनाने के लिए आपको ना तो अपने चेहरे का यूज करना है, ना तो आपको अपना वॉइस का यूज करना है, पूरा काम एआई करेगा और स्क्रिप्ट भी आपको नहीं लिखना है, पूरा एआई आपको स्क्रिप्ट लिखकर देगा, बस आपको एक सीक्रेट प्रॉम्प्ट का यूज करना होगा और वो प्रॉम्प्ट आपको कहां पर मिलेगा मैं आपको ध्यान से बताने वाला हूं, बस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अब कौन सा चैनल है, तो यहां पर मैं अपनी फोन स्क्रीन को ओपन कर लेता हूं, ये देख सकते हो आप लोग फैक्टोक्रेश इस चैनल का नाम है एंड देख सकते हो 199 वीडियोस में 6,21,000 सब्सक्राइबर्स है और यहां पर होम अप्लायंसेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब घरेलू सामान जो कि हर दिन यूज के होते हैं, जैसे कि घर में कई सारे किचन के प्रोडक्ट्स हो गए और अदर हमारे घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब के मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं, मतलब चाइना में बहुत यूनिक तरह के गैजेट्स होते हैं, उन्हीं गैजेट्स के वीडियोस ये अपलोड करता है। जैसे कि मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूं, पहले इसका 1.8 लाख व्यूज है। देखो अगर आपको भी फलों का जूस निकाल के पीना पसंद है तो ले आओ ये गैजेट, इस गैजेट में आपको फल को डालना है और मशीन को दबा देना है, उसके बाद आपका जूस बन के रेडी हो जाएगा। फिर ये लड़का अपनी मशीन में नींबू डालता है और फिर उसे दबा देता है और ये बनकर तैयार है आपका नींबू जूस। तो देख सकते हो इस तरह का कुछ वीडियो होता है और इस तरह के वीडियो लोग काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं, और पॉपुलर वीडियो दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो 1 करोड़ 1 करोड़ 29 लाख इस तरीके से, मतलब देख सकते हो भाई करोड़ों में व्यूज आया है। अब आपको ये कंटेंट कैसे बनाना है बहुत ही डिटेल से बहुत ही आसानी समझाऊंगा, बस अभी भी कह रहा हूँ स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करके कंटेंट आइडिया ढूंढ कर लाता हूँ और आप लोग स्किप करके चले जाते हो, ना ही उस पर काम करते हो, फिर भाई उसका क्या फायदा। आज किस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। अब सबसे पहले इस टॉप के वीडियो के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला चाइनीज एप्लीकेशन जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है, एंड दूसरा आपको चाइनीज प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल का लिंक चाहिए होगा जो कि स्टाफ वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो मैं आपको देखिए 3 से 4 यूट्यूब चैनल्स का लिंक दूंगा जो कि स्टाफ के होम अप्लायंसेस के वीडियोस को अपलोड करते हैं, और सारे के सारे चैनल्स भाई बाहर के चैनल से, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है ठीक है, इंडिया का कोई चैनल नहीं है। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ चाइनीज आईडीज का लिंक दूंगा जिनको आपको कॉपी करके उस ऐप पर सर्च करना है, यहाँ पर उनकी जो प्रोफाइल होता है वो खुलकर आ जाएगा, तो आप वहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं तो बहुत छोटा सा एक प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर एक क्लिप अपलोड करके बता दूंगा ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट का, मैन हमें स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, बहुत आसान है। पहले आप किसी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसे 2 से 3 बार देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, देखो इस तरह का होता है, मतलब जो गैजेट है ना उसकी बात करता है बंदा, जैसे कि मतलब जो गैजेट है वो किस काम का है, फल का जूस निकालने का एक क्लिक में। तो हम सिंपल से कह सकते हैं भाई, फॉर एग्जांपल इसको छोड़िए, मान लीजिए अगर कोई और अदर प्रोडक्ट होता जिसमें मान लीजिए एक छोटा वॉशिंग मशीन है, तो हम कैसे वॉइस ओवर कर सकते थे, कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते थे। अगर आप लोग को भी कपड़े धोने में दिक्कत होती है तो ले आइए इस छोटे मिनी वॉशिंग मशीन को जो आपका काम आसान कर देगी, इस तरह की क्लिकबेट लाइंस का यूज किया जाता है। और अपने हिसाब से भाई बस प्रोडक्ट को देखिए और अपनी भाषा में अपने हिसाब से अच्छा सा वॉइस ओवर कर दीजिए, और चाहो तो आप न्यू यूट्यूबर हो आपको थोड़ा अंदाजा नहीं है, तो मैं अपने तरफ से कुछ स्क्रिप्ट लिखकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको आपको देखना है, इसको पूरा कॉपी नहीं करना है, नहीं आपको रियूज आ जाएगा, उसे देखकर आपको सेम अपना स्क्रिप्ट लिखना है लेकिन टॉपिक चेंज करके। अब देखिए इसमें यहाँ पर फल के प्रोडक्ट है, अब उसमें हो सकता है शायद वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, और कोई प्रोडक्ट हो, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पर टाइप करना होगा, और टाइप करने में लिखने में भाई बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना मैं आपको खुद सजेस्ट करता हूँ, देखिए राइट बाय स्पीच इस एप्लीकेशन का नाम है। सिंपल से यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना पहले डिफॉल्ट पर, एंड जैसे माइक पर क्लिक करके कुछ भी बोलते हो ना वो हिंदी में लिखकर टाइप हो जाएगा। अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन करके रखा हूँ ठीक है, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से एंड डिस्क्रिप्शन से, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम एंड डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इसके बाद सिंपल से आप पहले वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, फिर यहाँ पर आप माइक पर क्लिक करके और जो भी चीज बोलना चाहते हो वो बोलिए, एंड यहाँ पर सब कुछ लिख कर आ जाएगा। अब इसे कॉपी करके आपको आ जाना है कीप नोट्स वाले एप्लीकेशन में, या तो आपके फोन में होगा, नहीं हो तो आप लोग अलग से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखो मैंने इसी तरह का एक लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, देखो सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने घर पर आग जलाते हो तो उसमें पूरा धुआं हो जाता है, लेकिन चीन के लोग ऐसा नहीं करते, वह एक स्मार्ट हीटर का उपयोग करते हैं। और बाकी आगे मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ ठीक है, सेम इस तरीके जो मैंने आपको बताया ना उसी तरीके से मैंने लिखा है, लेकिन अभी आपका जो स्क्रिप्ट वो रेडी नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको काम करना होगा। पहले आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना है, एंड आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मोबाइल में जिसका नाम है चैट जीपीटी, तो इसे आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, एंड एक ईमेल आईडी से आप लोग यहाँ पर साइन इन कर लेना, और पहले आपको यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को डाल देना जो आपने कॉपी किया है ठीक है,
एंड इसे पेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहां पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना। ध्यान से देख लीजिए, मैं डबल से पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो इसे कॉपी करके आपको आ जाना चैट जीपीटी के एप्लीकेशन पर और यहाँ पर सिंपल से इसे पेस्ट करके एरो पर क्लिक कर देना। इससे होगा क्या, आपका नॉर्मल सा स्क्रिप्ट चैट जीपीटी खुद दोबारा लिखेगा और उसमें जो वर्ड्स गलत होंगे उसको लगेगा ये लाइन जम नहीं रही, तो वो उसे सही कर देगा। जैसे कि देख सकते हो हमारे नॉर्मल से स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी ने कितना अच्छा कन्वर्ट कर दिया। काफी सारे यहाँ पर देख सकते हो कोमा, फुल स्टॉप, काफी सारी चीजें ऐड हो गई। अब इसे कॉपी करके सिंपल से हम चलते हैं 11 वेबसाइट पर एंड वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना वॉइस ओवर जनरेट करना है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉप कोड उसकी एडिटिंग करनी है जिससे आपको कॉपीराइट बिल्कुल भी ना आए। तो पहले मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के एआई वॉइस का प्रोसेस बताता हूं। तो अभी मैंने 11 वेबसाइट को ओपन कर लिया है। पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर पुरानी वाली स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। मैंने अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आप कैरेक्टर कोई सा यूज कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पैट्रिक कैरेक्टर ऐड कीजिए, आप यूज कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपल जनरेट पर क्लिक कर देना है और क्वालिटी आप लोग खुद ही सुनेगा क्या ही वॉइस की गजब की क्वालिटी होती है। देखिए कुछ सेकंड। देखो, सर्दियों के मौसम में अगर आप घर पर आग जलाते हो तो घर में पूरा धुआं हो जाएगा, लेकिन चीन के लोग ऐसा नहीं करते, वो इस तरह के स्मार्ट हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हो इस तरह का वॉइस है। इसे सिंपल से हम डाउनलोड कर लेते हैं एंड डाउनलोड का एक छोटा सा प्रोसेस रहेगा जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। थ्री डॉट पर जाकर आपको डाउनलोड्स पर जाना है एंड आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका नेम चेंज करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं फायर। ठीक है, हम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फायर एंड इसके बाद .mp3 लिख देते हैं। फॉर्मेट कट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमें आ जाना है कैपकट एप्लीकेशन पर। इसे आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो और एक VPN को भी डाउनलोड कर लेना क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है। ठीक है, आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जो आपने डाउनलोड किया है। तो यहाँ से मैंने उस वीडियो को ऐड कर लिया है। पहले आपको म्यूट के बटन पर क्लिक करके म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करके आपको कॉपीराइट से बचने के लिए कुछ सेटिंग्स करना होगा। ट्रांसफॉर्म पर जाना है एंड मिरर पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको और आगे जाना है, फिल्टर पर जाना है, यहाँ से सीनरी पर क्लिक करके मोडी फॉल आपको सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद अप्लाई टूल पर क्लिक कर देना है और एडिट पर जाकर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, एंड अप्लाई टूल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एड ऑडियो पर जाना है, साउंड पर जाना है एंड फाइल पर जाना है। इसके बाद आपको और यहाँ से आपको सर्च करना है जिससे आपने नाम सर्च किया। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ फायर वीडियो आ गया है, सॉरी ऑडियो, एंड वॉल्यूम को कर देंगे 1000%। इसके बाद बीच में गैप है तो स्प्लिट और पहला ब्लू लाइन जहाँ पर खत्म हो रहा है दूसरा उसके बाद प्ले हो, ऐसा कोशिश हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। मतलब देखिए, ये पहला ब्लू लाइन खत्म हुआ, इसके आगे आकार स्प्रेड और पहला ब्लू लाइन और दूसरा ब्लू लाइन एक सीक्वेंस में चले, इससे होगा क्या, AI वो इस लगातार बोलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान प्रोसेस मैं फटाक से कर लेता हूँ एंड मैं इसके इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग को बाद में समझ नहीं आता। ठीक है, अभी भी आप लोग देख लीजिए, पहला वाला ब्लू लाइन खत्म हुआ तो दूसरे वहाँ पर ठीक इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहे हैं हम जिससे वो साथ में प्ले हो। ठीक है, तो देख सकते हो लगभग पूरा का पूरा वॉइस हमारा एडिट होने वाला है, बस कुछ और पार्ट बचा हुआ है देख सकते हो लास्ट का। इसे मैं फटाक से एडिट कर लेता हूँ एंड जो वाटरमार्क है उसे आप लोग डिलीट कर दीजिएगा पहले। ठीक है, तो इसको एडिट कर लिया मैंने एंड वाटरमार्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसी वीडियो को हम दोबारा से डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट के बाद हमें थोड़ा एडिट करना होगा। कैसे करना है ध्यान से देखिए, पहले प्ले करेंगे। देखो, सर्दियों के मौसम में अगर आप घर पर आग जलाते हो तो घर में पूरा धुआं हो जाएगा, लेकिन चीन के लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो स्प्लिट करेंगे और इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड इसके बाद हम यहाँ से वीडियो को लेंगे। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट और इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से वो इस तरह के स्मार्ट हीटर का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही कमाल का है। ये हीटर इजी फोल्डेबल होता है, इसे कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, ये धुआं भी नहीं करता। सोचो जरा क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है, है ना। तो देख सकते हो इस तरह का वीडियो हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब सिंपल से एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे साउंड पर जाकर एंड फाइल पर जाएंगे एंड यहाँ से बढ़िया से बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, इसका नाम सैड है लेकिन ये सैड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, देख सकते हो ये वाला है और ये मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। स्टार्टिंग के खाली पार्ट को हटाकर इसका जो वॉल्यूम है वो कर लेंगे 30 या 25 पर। ठीक है, अब इसे आगे एडिट करके आगे आएंगे एंड जहाँ पर वीडियो खत्म हो रहा है यहाँ पर स्प्लिट करके इसे कर देंगे डिलीट। अब वीडियो बनकर रेडी हो गया, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए कितना मस्त बना है। देखो, सर्दियों के मौसम में अगर आप घर पर आग जलाते हो तो घर में पूरा धुआं हो जाएगा, लेकिन चीन के लोग ऐसा नहीं करते, वो इस तरह के स्मार्ट हीटर का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही कमाल का है। ये हीटर इजी फोल्डेबल होता है, इसे कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, ये धुआं भी नहीं करता। सोचो जरा क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है, है ना। तो देख सकते हो इस तरह का वीडियो बन गया है, बहुत ही मस्त। अब शेयर पर जाएंगे, हाई क्वालिटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया।